गर्मियों का सीज़न है और बाज़ार भी बंद है, तो ऐसे में आइसक्रीम बनाना तो बनता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डोलिन किचन। आज मैं लेके आई हूँ आइसक्रीम की रेसिपी, जिसको मैं पार्ले जी बिस्किट से बनाऊंगी। इसमें ज़्यादा सामान भी नहीं लगता, जैसा कि मार्केट बंद है और सामान मिलने में दिक्कत हो रहा है, तो इसमें आप बहुत ही कम सामान में बहुत ही एक टेस्टी आइसक्रीम बना सकते हैं। और इस आइसक्रीम की रेसिपी को देख के एक बच्चा भी इसको ट्राई कर सकता है। तो इन सारे बिस्किटों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, ताकि ग्राइंड करते समय आसानी से ग्राइंड हो जाए। तो यहाँ पे मैं मिक्सर में डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी, बिल्कुल पाउडर जैसा हमें बना लेना है। तो ग्राइंड करने से पहले यहाँ पे मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ 4 चम्मच। आप जैसे मीठा पसंद करते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर चीनी डाल लीजिए और बिस्किट के साथ इसको ग्राइंड कर लीजिए। तो देखिए चीनी और बिस्किट कितना अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, बिल्कुल पाउडर के जैसा। तो यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे दूध। तो यहाँ पे मैंने ठंडा दूध लिया है, जो रूम टेम्परेचर पे होता है वैसे ही दूध लिया है। तो एक बार और हम मिक्सर को चला देंगे, ताकि सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। और ऐसे मिक्स करने से अच्छा है कि मिक्सर में ये अच्छे से मिक्स हो जाता है और बिल्कुल क्रीमी क्रीमी लगता है। तो देखिए यहाँ पे दूध और बिस्किट सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुका है, और इसका टेक्सचर देखिए बिल्कुल क्रीम के जैसा लग रहा है ना, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने बिस्किट से बनाए हैं, पार्ले जी बिस्किट से। तो अब मैं फ्लेवर के लिए इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें अगर आपके पास हो तो कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। तो जैसा कि सामान लाने में दिक्कत है, तो जो भी आपके पास सामान हो उसी से बनाइए, ये आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर ली हूँ, तो अब इसको हम जमाएंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो स्टील की कटोरी ले सकते हैं या आइसक्रीम मोल्ड ले सकते हैं। तो यहाँ मैं डिस्पोजल वाले ग्लास में इसको जमाऊँगी, इसमें भी बहुत ही अच्छे से जम जाता है। और एक मैं प्लास्टिक के कटोरी में भी जमाऊँगी, उसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एक किसी भी कटोरी, स्टील या प्लास्टिक, किसी भी चीज़ में जमाएंगे तो ये आइसक्रीम अच्छी जम के निकलती है, बहुत अच्छे से जम जाती है। तो यहाँ प्लास्टिक के कटोरी में भी मैं इसको डाल दूंगी अच्छे से। और डालने के बाद ऊपर से मैं डालूंगी बादाम कट किया हुआ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप डाल सकते हैं, काजू, किशमिश, बादाम। तो मैं बादाम ही डाल दे रही हूँ ऊपर से, ताकि ये देखने में भी सुंदर लगे और खाने में टेस्टी तो है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस आइसक्रीम को एक बार बनाया ना, तो बच्चे तो इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, साथ में भी बड़ों को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो आप इस तरह से आइसक्रीम बनाइए और बच्चों को बिल्कुल खुश करिए। तो ऐसे मैं चारों को अच्छे से रैप कर लूँगी। इसको अच्छे से रैप करना है, ताकि ये जब फ्रीजर में रखे तो इसके अंदर बर्फ़ ना जमे। तो इसको 4-5 घंटे के लिए मैंने जमा लिया था। आप देख सकते हैं 4-5 घंटे के बाद मैंने जब निकाला तो कितना अच्छे से ये जम के तैयार हुआ है, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। आप चाहे तो इसी बाउल में सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं दूसरे बाउल में इसको सर्व करूँगी। तो बहुत ही टेस्टी यम्मी बन के तैयार हुआ है, और जब इसको हम ठंडा ठंडा खाएंगे ना, तो बहुत ही एकदम बाजार जैसी फीलिंग आती है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे बाउल में रख लिया है। अब ऊपर से मैं डाल दूँगी जो डेरी मिल्क आता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं मैंने, ऊपर से डाल दूँगी, ताकि देखने में अच्छा लगे, खाने में तो टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।